बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सिंह सिंह का जिन्होंने हिंदी ते पंजाबी दे समाजी पिसाई पिछाई सदा जिहड़ा रिश्ते ने उन्होंने नाल अपनी गल कही आ। मैं साढ़े ने गुआढ़ी है वो मालवे के धनौले तो ने गए साढ़े नाल रहिंदे आ शह पटियाले ते उन्होंने माँ बाप ने आपदे एक मुंडा कुड़ी आ दोनों इन्नी शुद्ध हिंदी सिखाई हुई आ भी वह भैया करके बोलते हैं प्योर फनैटिकली उन्हों का उच्चारण भी उदा का हो गया। उन्हों का मुंडा दसवीं हो गया उन्हें पिछे जे बाहर खेडन जान लग गया वो उत्थे मुंडे दूजे देख के अपनी माँ को आके कहा भी मैं कड़ा लेना उसकी माँ ने उन्हें कड़ा नहीं लेके दिता। दो महीने बाद उन्हें कुर्ता पजामे की मांग की कुर्ता पजामा नहीं लेके दिता भी साडा जिहड़ा सवाल है जिदा डॉ सेव सिंह होर ने दस्या कि बोली दे नाल साडी होंद हस्ती ते साडे धर्म ते साडी सारे प्रगटावे नाल जुड़िया होया ते हुण इन्हां परचियां दे उत्ते विचार चर्चा ते प्रधानगी भाषण लई मैं बेनती करदा सरदार जोगा सिंह नूं। उन्हां ने पिछले लंबे समय तो उप बोलियां बारे बहुत ज़्यादा अपना काम किया दखण दे विच ते वो सारे परचियां दे उत्ते अपना प्रधानगी भाषण सत्कारयोग बड़े सत्कारयोग मां बोली नू मां बोलियां नू प्यार करने वाले हो सब तो पहला तो संवाद का धन्यवाद के मौका दिता तुहाडे रूबरू होने का और खास तौर पर संदिल दीपक और साकेत उरां का धन्यवाद कि वह इन्नी दूरों आए इत्थे साडे प्रोग्राम दे विच गल्लां साझियां कीतियां। बहुत ज़्यादा गल्लां होईयां ने भाषा का मामला भी बड़ा ही एहो जिहा है जो सूखम नाल भी संबंधित है और स्थूल नाल भी संबंधित है। जिंदगी का कोई खेतर नहीं जिहदे विच भाषा का दखल नहीं है। इस करके जो भाषा की गल करते हैं तो सारी जिंदगी किसी ना किसी रूप च वक् वक् खेतर आ जाते हैं। तो समा पहला बहुत हो चुका है इन्हें थोड़े समय के बहुत चीज गल्लां ते टिप्पणियां करनियां शायद संभव ना होए। परचा पढ़ने वाले ने तुसी विद्वानों ने सुनिया है सैदिल होर ने मिसाल दे के किमें दसिया के जे मैं उन्होंने संखेप करके कहना हो सदी ज्ञान की सदी कहा जा रहा है इक्कीवीं सदी नू पर इस ज्ञान की सदी के भारतीय नीतिकार या भारत के भाषा के नीतिकार किन्नी अज्ञानता की अवस्था च रह रहे हैं। इन्नी अज्ञानता की अवस्था च रह रहे हैं कि वो नहीं जानते कि माँ बोलियां नूं त्याग के सिक्ख्या किन्नी फना हो सकती है तबाह हो सकती है या असफल हो सकती है प्रशासन किन्ना असफल हो सकता है होर जिहड़ा आ आदान प्रदान है समाज दे विच आपसी सभ्याचार दा वो किन्ना असफल हो सकता है। तो वो भी इस युग दे विच जदों साडे कोल सूचना दे जानकारी दे इन्ने ज़्यादा साधन ने जिहड़े हर रोज़ दस देंदे ने कि एक जिहड़ी है बटन दबाण दे उत्ते पता लग जांदा है कि भाषा सिक्ख्या च किहड़े दे सके ने व्यापार च किहड़े दे सके ने अंग्रेजी पढ़न च किहड़े दे सके ने अंग्रेजी चंगी किवें आउंदी है विदेशी भाषा की किहड़ी दी लोड़ है किवें चंगी आउंदियां ने ये सारियां जिहड़े मैं सवाल कीते ने पंज सत्त ते तुसीं दो घंटियां दे विच सारे वेख सकदे हो और बहुत लोगों को पता ने इत्थे बैठे आप तो मैनूं लगदा सारियां नूं इस गल दे पता है पर साडे जिहड़े साडे चलाउण वाले ने साडी सिक्ख्या नूं नीतियां नूं देश नूं उहनां ने हठ ही कीता होया वी अखां नहीं खोलणियां कन्न वी नहीं खोलणे जुबान बहुत खोलदे ने अंग्रेजी बगैर काम नहीं चलता अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी विज्ञान की भाषा है। मैं कोई सबूत भी तो दो ना एवं 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 कहने के होंगे तो मैं जो बाहर सबूत ना वेखन जाना हो भारत में वेख लो कि भारत ने अपन जबानों छड़ के खट्टी की कीती है। हुणे इन्हां ने वो कीती सी ह्यूमन डिवेलपमेंट की गल कमलजीत होर ने और सैदिल ने भी गल की सैदिल ने खास तौर पर कि विकास के बहुत व्डा जो अज हूँ पक्ष बन गया तुसी अपने मनुखी स्रोत जोड़ा मनुखी पूंजी जी कि चंगी तरह विकसित करते हो और भारत का दर्जा पिछले पाँच चार दिन पहले ही खबर आई थी तीन होर हेठा डिग गया तीन दर्जे भारत इस साल पिछले साल नालों
मनुखी स्रोत पैदा करने की जी दर्जाबंदी है देशों की भी कि चंकी तरह कर रहा तीन दर्जे से पिछले साल थले चले गए और होर थले जावे जीरो तो हो सकता सब तो थले चले जाएंगे पाँच दस साल जे है असी अंग्रेजी का खेड़ा या अपने अपन जबाना ना अपनाया जे मैं इस गलते आ जावा तो क्योंकि ना पढ़ाई हो सकती है बाकी तो सभ्याचार दिया सारिया पर मैं जी गल जी थोड़ी करना चाहना वो ये है कि यह होया क्यों इस स्थिति आप क्यों हाँ असी है नहीं सी इस स्थिति इस स्थिति असं अंग्रेजा वेले भी नहीं आए असी मुगलों वेले भी इस स्थिति नहीं आए मुगलों वेले भी फारसी कामकाज हुंदा सी फारसी की पढ़ाई भी वह करते पर साड़ी अपनी जिहड़ी सिक्ख्या सी परंपरागत सिक्ख्या जिस रूप च भी सी वो असी अपनी जबाना च कर रहे सी गुरुकुलां च हुंदी सी सिक्ख्या स्कूल साढ़े गुरमुखी असी गुरुद्वारे साहबां च पढ़ते सां जिवें भी पढ़ते सां बाद विच अंग्रेज़ आए अंग्रेज़ां ने कामकाज काफ़ी अंग्रेजी च करना शुरू कर दिता पहला फारसी सी लेकिन अंग्रेज़ा वेले कदी भी साड़ी स्कूल की पढ़ाई अंग्रेजी च नहीं हुई सिवाए कुछ कु स्कूल छड़ के मसूरी शिमला इधर उधर जिथे जा तो अंग्रेज़ों के अपने बच्चे पढ़ते सी जा फिर जड़े भारत के राजा महाराजा के बच्चे से उच्च वर्ग के बच्चे से उन्होंने उत्थे पढ़ते साड़ी पढ़ाई जड़ी सी वह हमेशा स्कूल पद्धर से साड़िया जबाना च रही अंग्रेज़ों वेले भी और अंग्रेज़ों वेले ही नहीं लगभग 1980 तक साड़ी स्कूल जड़े सी लगभग कोई इक्का दुक्का स्कूल सन पंजाब दे विच जड़े अंग्रेजी माध्यम से बाकी सारे स्कूल पंजाबी माध्यम से या कदे हिंदी माध्यम से केंद्रीय स्कूल ते 80 तो बाद जड़ा 30 साल जड़ा होया है इन्हें जड़ा साड़ा मौजूदा स्थिति है ज़्यादा संकट पहला भी सी क्योंकि पहला भी कॉलेजों की पढ़ाई जड़ी सी अंग्रेजी हुंदी सी यूनिवर्सिटियां की पढ़ाई अंग्रेजी हुंदी सी खास तौर पर साइंस की विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी हुंदी सी पर असी कई बार गुजर भी कर दें अंग्रेज़ों ने साडे लियांदी अंग्रेजी अंग्रेज़ों ने आंदी लियांदी उन्होंने पर जिवें अंग्रेजी नूं हिंदुस्तान दे विच असी फैलाया पिछले 30 सालों तो या अपनियां जबानां नूं पिछले 30 सालों तो जिवें असी नकारिया आ कदी ना अंग्रेज़ों ने किया ना मुगलों ने किया ना असी होण दिता उन्हां दे वेले बावजूद उन्हां दे गुलाम भी सी फिर भी असी अपने ढंग तरीके कोई लभे होए सी कि अपनियां जबानां नूं अपनियां सभ्याचारां नूं तो अपनी इस जी सा परंपरावान काफ़ी हद तक बचाई रखी है तो पिछले 30 कु साल जरा ज़्यादा वर्तारा है पिछले 30 साल होया कि है कि एको दम हो गया सारा जबाना एको दम जरा वर्तारा फैल गया हो खोजन की लड़ है अपन मेरे ख्याल जी वे पद्धर से घटना वापरी है दुनिया के पिछले 30 साल राजनीतिक जिन्हें सारी दुनिया में बदलिया है वो रूस का सोवियत रूस का टह टहरी होना सोवियत रूस का टह टहरी होना वो एक वड्डी राजनीति करना जिस तो बाद सारी दुनिया वक्री तरह की होगी किवें होगी वक्री तरह की 80 तक इंग्लैंड का टैलीविजन इतने नहीं सी वेख सकता जापान का टैलीविजन फ्रिज इतने नहीं सी वेख सकती उन्होंने मोबाइल कोई भी समान इतने छेती करके आ नहीं सी सकता जां ते साडा टैक्सला टीवी सी माड़ा चंगा जिवें दा सी ओह वेखदा सी बीपीएल सी टीवी सी ओह वेखदा सी जिहड़ी मशीन सी साडी ओह वेखदी सी इह इक हद्दां बन्नियां बज्जियां होईयां सन देशां दीआं ते उहनां हद्दां बन्नियां दे विच ही अपनी अपनी प्रभु सत्ता देशां ने काफ़ी हद तक बचाई होई सी और जिन्नी प्रभु सत्ता बची सी उहदे नाल तुहाडी भाषा तुहाडी आर्थिकता तुहाडा सारा सभ्याचार सब कुछ उस प्रभु सत्ता ते निर्भर सी 80 तो बाद साड़ी प्रभु सत्ता पंजाब दी भारत दे प्रसंग च ते की होनी भारत दे प्रसंग दे विच पंजाबियां दी किन्नी कु प्रभु सत्ता वो काफ़ी गल्लां होईयां ने हो रही ने सवेर दियां भारत दी प्रभु सत्ता किन्नी कु भारत दी प्रभु सत्ता अज दे प्रसंग विच किन्नी कु कुछ भी नहीं 1980 दे विच जिहड़ा साडा बजट पास होया 1980 तो बाद दा जिहड़ा सी वो वर्ल्ड बैंक ने बना के भेजा सी भई आ करोगे तो कर्जा देंगे जिन्हें कर्जा देना है कर्जे पर साडा चलता नहीं दो तरह नाल नहीं चलता इन्ना ज़्यादा साडा घाटा हो चुका है साडा जिहड़ा आ बजट का चाहे भारत सरकार का हो चाहे साडियां सरकारां का सूबाई सरकारां का उस कर्जे बगैर हुण असीं अगला साल भी नहीं चला सकते जे कर्जा सानूं नहीं मिलता कर्जा इस करके भी चाहिए है
कि साड़ी सारी सियासी जमात जड़ी है वो एड्डी छेती इन्ना ज़्यादा पैसा नहीं बना सकती जे कर्जा ना लीए तो। जे लुधियाने तो पटियाले तक की सड़क का कर्जा आएगा बनाने वास्ते वर्ल्ड बैंक तो ही कई तरह ने माला माल होना बिच मंत्री ने माला माल होना ठेकेदार ने होना है जिन्हें बजरी वेचनी है लुक वेचनी है सारा कुछ वेचना ये जिहड़ा वर्तारा आया ये कला एक तो भारत च नहीं जबाना उत्ते संकट आया बिल्कुल राजनीतिक हदाबंदियां दे कोई बहुते मायने नहीं रह गए। पूंजी बंदा नहीं आ जा सकता तुसी तुहानू जाना होवे पाकिस्तान या तुसा जाना होवे जां कनेडा जाना इंग्लैंड जाना होवे तां फिर वड्डियां रुकावटां ने है नहीं। लेकिन समान ने जाना है पाकिस्तान नाल साडी बहुत दुश्मनी है लेकिन जाके वेखो ट्रकां दीआं लाइनां उत्थे लगियां होईआं ने है नहीं। आलुआं दे व्यापारियों नूं इह गल वारा नहीं खांदी कि भारत ते पाकिस्तान दा व्यापार आपस च बंद हो जाए। तो ये जिहड़ा वर्तारा जिहदे नाल सारी जिहड़ा गलबा आ वह हुण गलबा एक अंतरराष्ट्री जिहड़ी सरमाया उहदा सारी दुनिया दे उत्ते इस तरह छा गया और उहदे विच तुहाडियां सारी आर्थिकता सारे सभ्याचार सारियां जिहड़ियां ने पछावां सब कुछ दलडिया जा रहा। जदों अंतरराष्ट्री पूंजी का भारत दे उत्ते गलबा वधेगा अंग्रेजी का गलबा वधना ही वधना अंग्रेजी का गलबा किवें वधेगा। पहला कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं सी खोल सकती कोई प्राइवेट स्कूल नहीं सी खोल सकता छेती करके जे प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं सी खोल सकता तो स्कूलों का माध्यम अंग्रेजी एड्डी छेती हो नहीं सी सकता। लेकिन जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय जदों असीं गैट ते साइन कर दिते गैट ते जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार दा दस्तखत करते भारत ने उहदे विच तुसीं हुण उह रोक नहीं सकते उहनां नूं जो कुछ भी बाहर दीआं यूनिवर्सिटियां नूं भी हुण नहीं रोक सकते। हुण तां बिल भी भारत सरकार ने पास कर दिता है कि बाहर दे इत्थे आ के यूनिवर्सिटियां भी खोल सकते हैं। तो ये उहदे विच कोई थां नहीं है स्थानक सभ्याचारां लई स्थानक भाषावां लई इस करके जे आपां इन्हां भाषावां नूं अपणियां भाषावां नूं सारे कासे नूं बचाउणा आ तो सानूं पहलां अपना जिहड़ा आर्थिक तौर ते इक तरह दी जिहनूं आज़ादी कह लो या स्वै निर्भरता देखो कि जे आपां चाहुंदे आ कि पंजाब एक तरह नाल स्वै निर्भर होए और पंजाब दखल अंदाजी बहुती ना होवे सभ्याचारक भाषा दी सारे कासे दी ते तां ही बचेगी वो जिन्ना चिर पंजाब अपना समान आप पैदा करके आप वरत रहा है। जदों समान पंजाब तो बाहर आउण जाण लग गया बहुत पूंजी बहुत बाहरों आउण जाण लग गई पंजाब उन्हां प्रभावों तो बच नहीं सकता। एक तो पिछले 30 सालों जिहड़ी काली नाले वर्तारा वापरिया सारा कुछ अंग्रेजी भाषा का सभ्याचार का एक खास तरह निजीकरण का जिदे करके सारी साड़ी सिक्ख्या निजी के और वो अंग्रेजी वरती। दूजा जिहड़ा ये थोड़ा जिहा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है गल आज़ादी की लड़ाई के भारत एक मुठ हो गया सारिया वड्डिया मुंडिया भुला भलू के असी पंजाबी हाँ असी बंगाली हाँ असी तमिल हाँ साड़ा धर्म वखरा है या साड़ा जिहड़ा खेत्र वखरा है। आज़ादी की लड़ाई ने एक राजनीतिक एकता भारत दे विच दिमागां दे विच लोकां दे विच पैदा करती साडा भारत है और ये जिहड़ी साडे भारत की भावना सी ना ये इन्नी प्रबल हो गई उहदे विच जिहड़ियां साडियां बाकी पछाणां सन असलीयत जिहड़ियां असल विच पंजाबियां दी पछाबीयत दी पछाण बंगालियां दी पछाण उहनां नूं असीं बहुता गौलिया ही नहीं और उस दौर दे विच काफ़ी कुछ वापर गया। संविधान बनिया संविधान दे विच कुछ चीज़ा यहो जिहियां पाईआं गईआं जिन्हां नूं असीं फैडरल कहिंदे आ जिहदे विच सूबिआं नूं कुछ उधार ने लेकिन वह भी वह भारतीयता साडे दिमाग दे उत्ते इन्नी छाई होई सी कि सानूं पता ही नहीं लगा कि इहदे विचों कढ किन्ना कुछ लिया गया पिछले जिहड़ा आज़ादी तो बाद 40-50 सालों के अंदर अंदर सिक्ख्या सूबिआं दी सूची च हुंदी सी सिक्ख्या जिहड़ी है वह सांझी सूची चली गई और सांझी सूची का यह है कि जे कोई कानून भारत सरकार बनाउंदी है तो वह कानून सूबे की सरकार तो सुपरसीड करेगा वो जिहड़ा सूबे केंद्र का कानून है वह लागू होएगा जे सूबे का कानून जिहड़ा वो टकरा च आउंदा है। जदों साडी वह सारी सूची जिहड़ियां किन्नियां चीज़ां सन जिहड़ियां इत्थे प्रांत सूबिआं दी सूची सन जो सांझी सूची चलियां गईआं तां फिर CBSE आ गया सिक्ख्या साडी सरकारी जिहड़ी उह तों उहदा कंट्रोल हो गया सिक्ख्या का कंट्रोल हो गया तो भाषा का सारे कासे का ही हो जाना सी। एक जिहड़ा ये भारतीयता की भावना सी ना वो साडी भावना ने साडियां सारियां भावनावां नूं जागण ही नहीं दिता भी असीं पंजाबी भी हैं असीं बंगाली भी हैं
साड़ी कौमियत पंजाबी है, साड़ी कौमियत बंगाली है, साड़ी जुबान पंजाबी है, साड़ी जुबान बंगाली है, तमल है। वो भावना दबिया रही सामने नहीं आई। और उस दौर कि कुछ जड़ा सी जो संघी भी संविधान के शामिल किया गया वह खो लिया गया, सब निकल गया, आप बहुता बोले ही नहीं। सियासी पार्टियां कभी कर दिया सन, जिमें अकाली दल भी गल करता सूबे के हकों दियाँ, तो उन्होंने अपना अर कर लिया, जोड़ा उन्होंने लैन देन कर लिया। छोटी पार्टी तो केंद्र के कैबिनेट के मंत्री की मार होंगी, उन्होंने चंगा मंत्री बना दो, किसी चंकी योजे उन्होंने दे दो विभाग केंद्र के कैबिनेट मंत्री बना दो जिते चंगा वाल बन सकता हो। सारी जी किसी खेतरी पार्टी जिन्होंने आप कहने वो अपनी सारिया नीति नुतियाँ गलों गुलों भावें करती रहे, फिर तुम्हें छेड़ी नहीं, फिर पंजाबी की गल नहीं करेगी, ना पंजाब के हकों की गल करेगी, क्योंकि वह जो जिन्ना को लालच से पूरा हो गया। और हूँ पर हूँ वो गल् जड़ियाँ भारतीयता की एक एकता पैदा की सी, हूँ वास्तविक असली संसार जो असली असलीयत जी है, खास तौर पर पिछले 30 साल ने यह भी किया है कि एक बहुत ज़्यादा जो पाड़ा आ पाड़ा बहुत बढ़ गया, गरीब अमीर का पाड़ा बहुत बढ़ गया, एक पासे दौलत अन्नी कट्ठी हो रही है, एक पासे गरीब हो रहा बंदा। और जड़िया कुछ सहूलत सन, कुछ सहूलत गरंटी सन, पक्या सन, जिमें सिक्ख्या की सहूलत सी, सारे पिंड स्कूल नहीं सन, पर जोड़ा सरकारी स्कूल से उत्थे फीस इन्नी घट सी कि गरीब का बच्चा भी वोजी सिक्ख्या लै रहा, अमीर का बच्चा भी बिल्कुल वोजी सिक्ख्या लै रहा। और साढ़े पिंडा के स्कूल जोड़े दुनिया के किसी स्कूल का भी मुकाबला कर सकते हैं, 70 तक किसी भी पिंड का जोड़ा स्कूल से दुनिया के किसी स्कूल का पढ़ाई मुकाबला कर सकता सी, हर तरह मुकाबला कर सकता सी। तो वो जी सहूलत भी खोली गई सिक्ख्या दया, तुम्हें पता है कि सरकारी अस्पतालों के कि दवाई मिल जाती सी, काफ़ी दवाई तो मुफ्त च मिलती सी, डॉक्टर मुफ्त च मिलता सी, 1-2 रुपये पर्ची होंगी सी। तो वो जड़िया बड़िया मुढ़लिया जड़िया चीज़ें एक तरह सानू मिल ही रही सन, वो हुण पिछले 30 साल के वर्तारे का एक नतीजा भी होया कि वह भी खो लिया गई। हुण उहदा नतीजा की होया, उहदा नतीजा यह हो गया कि जिन्हों असीं कहिंदे कि संकट आ गया, संकट यह आ गया कि 1 लाख रुपया लैन वाला भी अपने न्याणियां नूं पढ़ा नहीं सकता चंगी तरह। मेरी 1 लाख के करीब तनखा रही है पिछले कई सालों तो, जे मैं चाहुंदा कि मेरे 2 न्याणे बेटियां ने, मैं उन्होंने डॉक्टर बनाला बना नहीं सी सकता, मैं 1 दी भी फीस नहीं सी दे सकता। जे कुदरती किसी सरकारी कॉलेज दाखला हो जाए जिते फीस थोड़ी है तो हो सकता सी कि पढ़ जाण, लेकिन जे मैंने किसी प्राइवेट कॉलेज देना पैंदा सी दाखला तां ओह हुण संकट के टाइम के उत्ते माड़ा गल है, सहूलत खोईयां, लोग दुखी ने, पर एक गल होर भी हो गई है, होर भी हो गई है कि वह जरा ना जी जो भारत का एक साढ़े उत्ते दिमाग दिमाग मल्या होया जिस भारतीय धर्म ने, वह भी विचों निकलनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। हुण सानूं भी नाल पता लगन लग गया कि असीं पंजाबी भी हैं, साडा विरसा भी वखरा है, साडी जुबान भी है, साडी जुबानां मर रही ने, नाल जिहड़ा अंग्रेजी माध्यम स्कूलिंग का शुरू होया उहदे नाल जुबानां दी एक ऐसी स्थिति बन गई है जिथे हुण आपां नूं जिहड़ियां बड़ियां पुरानियां हज़ारां सालां दियां पुजानियां जिन्हां च गुरबाणी वर्गियां रचनावां गुरबाणी है, उन्हां नूं भी खतरा लगन लग गया भी ये भी जा सकदियां ने। इहो जिही स्थिति जिहड़ी है ये अंग्रेजी माध्यम दी स्कूलां ने शुरू कीती है, जिन्हां चिर स्कूल नहीं आए उन्हां चिर 10वीं तक चंगी पंजाबी बच्चे पढ़ लेंदे सन, पंजाबी नूं उन्ना खतरा नहीं सी क्योंकि पढ़ रहे सन बच्चे पंजाबी, अगे जा के अंग्रेजी नाल वास्ता पैंदा सी, पर पंजाबी उन्हां दी बड़ी चंगी हुंदी सी, पंजाबी भी आ जांदी सी, अंग्रेजी नाल भी अपना काम चला लैंदे सी। इह स्थिति जिहड़ी हुण बणी है इहदे विच इक ते उह समें दे बीतण दे नाल भारत दी जिहड़ी असलीयत है उहनें अपने आप नूं प्रगट करना शुरू कर दित्ता काफ़ी देर ते। वो असलीयत की है कि भारत एक बहुकौमी देश है, भारत एक बहुकौमी देश है, बहुत ज़्यादा कौमीता रह रही है। हुण जे भारत एक बहुकौमी देश है तो भारत इकट्ठा तां ही रह सकेगा देर तक, तां ही राजनीतिक समस्यावां तो थोड़ा बचा रह सकेगा जे इहदे उत्ते उहो जिहा ढांचा उसारिया जाएगा जिहड़ा सारियां कौमीता नूं बराबर की थां दिंदा है और उन्हां मान सत्कार करता है, समानता की जी बराबरी दे जड़ियां ने सारियां कौमीता रहिंदियां ने। पर वो गल है नहीं, वो गल जो संविधान के है भी है हासिल कानून पद्धर से वह भी व्यवहार के नहीं मिल रही, इस करके जोड़ा कौमीयत का मामला ये भारत के कई तो यह सोचते हैं हूँ असी सूबे बना दिते ने, पंजाबी के नाँ तो सूबा बना दिता, बंगाली के नाँ तो बनाता, तमिल के नाँ बनाता, पंजाब से कौमीयत का मसला हल हो गया, भाषावान का मसला लगभग हल हो गया, भारत के कौमीयत का मसला गल होनी शुरू हुई है, वो भी हाली पूरी ठीक तरह नहीं हुई और इन्हों कोई रोक नहीं सकता। तो सामने हाली 5-7 दिन पहला
जड़ा कश्मीर च की वापरिया और कश्मीर च यह स्थिति बनी हो तो सारे जानते हो। पूरा उत्तर पूर्व जिन्हों सैवन सिस्टर कहें सत्त भैन वो सारे लगभग फौजी कानून थले ने कि फौज किसी भी फट के लै जा सकती है बिना मुकदमा चलाए उन्होंने जरा अंदर रस चल देना। तो इतों तुम हिसाब ला लो भी साड़िया समस्यावान किनिया किमें प्रगट होनिया शुरू हो रही थोड़े तो सामने सवेरे अपने बोल के गए ने अपने साहू साकेत कोसली का की हाल है। तो ये कौमीयत का मसला भारत के होना हूँ शुरू होया है कई कारण करके और ये जो आर्थिक संकट है उन्हें इस मामले को भखाया भी है नाल दी नाल क्योंकि यदा प्रगटावा कई पास संकट में हो सकता है। एक तो यह हो सकता है कि गरीबा अमीर का आपस अमीर हो जाए जो ध्रुवीकरण हो जाए एक पास हो जाए वह भी हो सकता है। ये होर राजनीतिक रूपों के भी निकल सकता है कि पंजाब कहे भी लो जी सा नहीं सुनी जाती जो सा यही हाल रहना तो इस पासे होंने जिमें कश्मीर कह रहा है ये कश्मीर हाले कह रहा है ये स्थिति पूरे भारत बहुत ज़्यादा सूबे की बन सकती है और जे मैं कह कि लगभग हर सूबे की बन सकती है जे सच्ची मुची जिन्हों असी संघी ढांचा कहें फैडरल एक स्ट्रक्चर कहें जो भारत कायम ना की गई तो भारत की एकता बचाना मुश्किल नहीं असंभव नहीं तो मुश्किल बहुत है पहला ही बहुत मुश्किल आ रही है। तुहानू मैं दस्या अरुणाचल प्रदेश की हाल है नागालैंड ते हुणे हुणे खबर आ रही ने बाहर वो खबर बहुत ही नहीं आई अपनी फेसबुक वगैरह ते आई है कि भारत सरकार ने अंदर खाते नागालैंड नाल समझौता कर लिया कि उन्हां दा अपना झंडा होएगा तो अपना पासपोर्ट होएगा। नागालैंड वाले कह रहे हैं कि असीं कदी अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहे अंग्रेज़ों ने जिहड़ा राज तुहानू दित्ता उह तुसीं कर लो साडे ते तुहाडा राज किवें हो सकदा क्योंकि नागालैंड का अंग्रेज़ों नाल सिर्फ एक समझौता होया सी 1931 दे विच शायद कि असी तुहानू लांघा देंगे लांघा नागालैंड दे विचों। नागालैंड कदी भी अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहा और नागालैंड ने भारत की आज़ादी तो एक दिन पहला जिनी को लांघा लूंघा भी दिता सी अंग्रेज़ों एक दिन पहला उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान नागालैंड ने किया जिस कोई भारती जानता ही नहीं क्योंकि वह किसी किताब में लिखा नहीं जाता दसिया नहीं जाता। तो इस करके भारत एक बहुकौमी देश है ये कौमीयत का मसला जोड़ा ये हाली निजिस्टना बाकी है और जी सब तो वीडी जी कौमीयत जोड़ी जाती पछाण है वह भाषा की है। भाषा एक जड़ा आ अपना जज्बाती मामला भी है पर जिमें सेंदिलूरा ने बड़े विस्तार दसिया भाषा विकास का मामला है। भाषा जे कोई भी देश अपनिया जुबाना नकार के बाहर रख के किसी तरह का विकास नहीं कर सकता ये तो एवें पर सानू जिहड़े भरम बनाए हुए ने भी अंग्रेजी नाल ही साइंस आएगी अंग्रेजी नाल ही जिहड़ी दुनिया तुहाडे नाल जुड़ेगी अंग्रेजी नाल ही जिहड़ा आ ज्ञान सारा अंग्रेजी च है सो वो जिहड़ी अंग्रेजी नाल ही आउंदी है लेकिन ये सारे भरम बनाए हुए भरम बनाए क्यों गए ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिहड़ा मसला है भरम ये बनाए क्यों गए भारत किन्नू लोड़ सी इन्हां भरमां दी भरम दे विच लोड़ सी भरमां दी उन्हां लोकां नूं जिन्हां ने अपनी ताकत का गलबा कायम रखना सी ताकत का गलबा कायम रखना सी और ताकत का गलबा कायम रखने का सब तो वड्डा हथियार भाषा हो सकती है होर शायद ही कोई एड्डा वड्डा हथियार जां तां तुहाडी सीधी राजनीतिक गुलामी हो जाए तुसीं किसे उत्ते कब्जा ही कर लो हुण उस तरह का कब्जा तो नहीं कह सकते ना भी पंजाब नूं बिल्कुल ही गुलाम बना लो या बगा लो कुछ ना कुछ तो देने पैणगे हक। तो दूजा जिहड़ा तरीका है वह गलबा है भाषा का भाषा के गलबे नाल किवें सारी ताकत का गलबा हुंदा है। पहला IAS के पेपर सिर्फ अंग्रेजी हुंदे सन सिर्फ अंग्रेजी हाले भी IAS के जोड़े पेपर ने जोड़ा प्रिलिमिनरी है पहला पेपर है वह सिर्फ अंग्रेजी तो हिंदी हुंदा है जोड़ा मेन है वह पंजाबी तो होर शड्यूल लैंग्वेज जड़िया ने 22 भाषावां हुंदा है। तो मेन विच ते कुछ बंदे आ जाते हैं जोड़े आ के मेन दे विच फिर अपने परचे लिखते हैं IAS बन भी जाते हैं पंजाबी राही इक्का दुक्का बन जाता है पर जोड़ा प्रिलिमिनरी है वह अंग्रेजी है। जदों प्रिलिमिनरी का परचा अंग्रेजी है तो स्कूलों के पंजाबी माध्यम होना ही संभव नहीं है क्योंकि जिन्हें सोचना मैं IAS बनना है वो तो सोचेगा अंग्रेजी माध्यम पढ़ागा तो IAS बन जावगा क्योंकि अगे जाके जरा दरिया पार करना वो तो अंग्रेजी का दरिया है प्रिलिमिनरी तो अंग्रेजी अंग्रेजी वाले अगे जाएंगे। NDA का एग्जाम फौज च जाना है लैफ्टिनेंट बनना है किवें बनोगे इम्तिहान अंग्रेजी च जिन्ना चेर इम्तिहान अंग्रेजी है उन्ना चेर क्यों अगला अपने बच्चे पंजाबी माध्यम स्कूल पढ़ेगा उन्हें बनाना तो लैफ्टिनेंट है तो उत्थे जाके पेपर अंग्रेजी होने ने यह सारी जी व्यवस्था है गलबे की और फिर होर तो होर अदालतों अंग्रेजी जिते गल ही नहीं हो सकती
होर तो होर बैंकों के अर्जी देनी है रोज़ के कामों, चलो कुछ फर्क पिया है हुण इन्हां दिनां च पूरे भारत दे विच जिहड़ा सरकारी कामकाज है सरकारां दा प्रशासन दा और जां बैंकां बुकां दा भी प्राइवेट काफ़ी हुण अपनियां भाषावां जिवें ATM है सारे थावां ते नहीं मिलदी पर बहुत ATM च पंजाबी मिल जाती है बंगाली मिल जाती है तो किसी पद्धर ते भाषावां दा जिहड़ा वधिया आ उह ते वधिया आ लेकिन हाले वह गलबा जिहड़ा उस तरह कायम है और नाल दी नाल जिहड़ा टेक्नोलॉजी का दौर आया लोगों को इंज लगा कि टेक्नोलॉजी अंग्रेजी राही आनी है तो जो अंग्रेजी राही आनी है तो फिर तुम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ो तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना है तो फिर अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो गए फिर वो जो स्कूल ने वो किन्ना दिन ने जो नीतियां चलाते हैं जिन्हें ने सिक्ख्या नीति तय करनी है वो अपने स्कूल ने वो क्यों कहेगा सरकारी स्कूल कामयाब हो जाए जां सिर्फ पंजाबी माध्यम वाले स्कूल कामयाब हो जाए वो तो उन्होंने तो यह है कि चंगा मेरे को न्याणे आ रहे हैं वो एक चुटकला चलता अजक पूरे भारत के मेरे ख्याल तमिलनाडु तो शुरू होया वो कहते भी ठेके बंद कर देने वो कहते चलो सानू ठेके तो तुसी नहीं देंगे तो सानू स्कूलों के लसेंस दे दो कॉलेजों के लसेंस दे दो वो ठेके तो बाद पैसा बनाने लिए सब तो वधिया साधन ये जिहड़ा आ कॉलेज स्कूल मन्ने जा रहे हैं और उत्थे वेचण वाला की है अंग्रेजी माध्यम जी असीं अंग्रेजी च पढ़ाने जे किधरे स्कूल अंग्रेजी माध्यम उंजी मना हो कोई कर ही नहीं सकता तो सरकारी स्कूल इस तरह गर्क ही नहीं सन होंगे वो नतीजा तुहाडे सामने में 70% हिंदुस्तान पढ़ ही नहीं रहा जिस देश का 70% बच्चा सिर्फ स्कूलों जाके हाजिरी ला रहा उन्होंने सर्टिफिकेट भी 8वीं 10वीं का मिल मुल जाता है पर वो पढ़ नहीं रहा जिस देश का अज के युग 70% बच्चा पढ़ ही नहीं रहा वह बनना की है कल मार काट लड़ाइया झगड़े आज सामने ने वो जाट आते हैं साडा बुरा हाल है हरियाणे राज हुण तक उन्हां दा रहा 27% जाट 70% जिहड़ियां लीड पोस्टां ने हरियाणे दियां 70% काबज ने वो कहिंदे साडे नाल जिहड़ा धक्का हो रहा जी राखवाकरण होना चाहिए ये नतीजा वो सारे कासे उन्हां नीतियां दा संकट दा जिहड़ा एक पैदा कर लिया सी पहला एक असीं इहो जिहा ढांचा बनाया सी जिथे कुछ घट्टो घट चीज़ां हर एक नागरिक नूं सिख्या और सेहत खास तौर पर हर एक नागरिक नूं हासिल सन जिन्ना चिर असीं वो ढांचा नहीं बनाउंदे उन्ना चिर असीं ये शांति भी कायम नहीं कर पावांगे और भारत की जिहड़ी बहुत वधिया शब्द तुसां वरत्या राष्ट्र की उसारी मैं तो भारत वास्ते हाली राष्ट्र शब्द वरतदा नहीं देश है कि जिहदे विच बहुत सारिया जिहड़ियां कौमीयतां ने उन्ना चिर असीं उसारी नहीं कर सकांगे जिन्ना चिर पहली गल वो एक बड़ा ही वाजब संघी फैडरल ढांचा स्थापित होवे खास तौर पर सिक्ख्या वर्गे मुद्दे बिल्कुल सूबियां दे ही अधिकार खेत्र च आउंदे होण जिवें पहलां सी संविधान दे विच मूल व्यवस्था सी लेकिन वो व्यवस्था हटा दी गई कोई बहुत और ने विरोध नहीं होया उस गल का पर हुण इह होवेगा किवें इह होणा किवें सवाल है जिन्हां नूं फायदा है वह तो करन नहीं लगे जे मेरा मैं कॉलेज चला रहा मैडिकल कॉलेज चला रहा मैं क्यों चाहूँगा पंजाबी माध्यम च मैडिकल पढ़ाई जाए नहीं मैं चाहवागा मेरा काम तो उन्ना चिर चलना जिन्ना चिर मेरे अंग्रेजी माध्यम च पढ़ाई है इस करके एक तो ज पर यह सारा जिहड़ा चल रहा गलबा या व्यवहार चल रहा उन्हां भरमां दे सारे चल रहा है वह भरमे ने कि अंग्रेजी नाल अगे वध्या जा सकता अंग्रेजी नाल ही साइंस आ सकती है अंग्रेजी नाल ही दुनिया जड़िया जा सकता है इसलिए मैं समझदा कि अपना जिहड़ा मूल जिहड़ी पहला जिहड़ा बनता आ साडा कारज बनता वह आ कि भरमां नूं किवें तोड़ीए ये भरम जिहड़े ने किवें तोड़ीए और किवें दसीए कि अपनियां भाषावां नूं छड्ड के असीं अपना नुकसान किन्ना कर रहे हैं आर्थिक नुकसान सभ्याचारक नुकसान धार्मिक नुकसान अपना जिहड़ा आर्थिक नुकसान हर तरह का नुकसान असीं किन्ना कर रहे हैं उहदे वास्ते हुण हर तरह के तुहानूं लिखतां मिल जांदियां ने अंकड़े मिल जांदे ने ये जा के घर घर पहुँचाउण दी लोड़ है भाई जे तुसीं सच्ची मुची दुनिया में अपनी थां बनाउणी है पंजाब ने भारत ने तो तुहानूं अपनियां भाषावां नूं हर पद्धर ते हर खेत्र विच अपनाउणा पएगा नहीं तो असीं ना सिक्ख्या च ना आर्थिकता च ना प्रशासन च ना न्याय च किसे च असीं अपनी पूरी जिहड़ी है कामयाबी हासिल नहीं कर सकांगे हो सकता है मैं जिहड़ियां गल्लां कहीआं ने उहनां च बहुत ज़्यादा गल्लां होण जिहनां नाल किसी की सहमति ना होवे एक संवाद है अपना अपना विचार है तो एक थोड़ी जी गल मैं कमलजीत राणे ने एक गल की सी बड़ी वधिया गल की सी उन्होंने जिहड़ी उन्होंने संसिख शेख होरां दे हवाले नाल की सी उन्होंने संस्कृत वाल जिहड़ा मोड़िया पंजाबी नूं ये सही गल है पर संस्कृत शेख होरां ने इस करके नहीं मोड़िया क्योंकि वह मार्क्सिस्ट सन जिहड़ी वेखण वाली गल है कि वह मार्क्सिस्ट होण करके संसिख शेख होरां ने यह गल नहीं कही ये गल भारत की बौद्धिकता से हावी सी और क्योंकि संसिख शेख होरी भारतीय बौद्धिक परंपरा चो आ रहे हैं इस करके वो भी हाली कुछ चीज़ों का कुछ जड़े ने भरमां का जड़े ने उन्होंने दिमाग से भी है जिस बौद्धिक परंपरा चो आ रहे हैं
और वह भरम कली मार्क्सिस्टा चो नहीं तुसी सारिया चो लभ सकते हो। मैं मिसाल दे सकना वा पंथ अपने गुरप्रताप सूरज पंथ प्रकाश का ना है जी, भाई संतोख सिंह राणे ब्रज च लिखा हुआ, सूफी सदियां पहला पंजाबी लिख रहे हैं, बाबा नानक उदू सदियां पहला पंजाबी लिख रहा है, हाँ जी सारे पंजाबी जड़े ने किस्साकार लिख रहे हैं। फिर आपू अपने जी है अपनी जी गुरु गुरु साहबान की जी जीवनी है उन्होंने ब्रज च कह दी क्यों एड्डी वीडी भी एक सवाल है। सो जी भारत की बौद्धिक परंपरा आ रही है वो ही मार्क्सिस्ट पैदा हो रहे हैं भारत के, वो आए कि वह गुलाम जहनीयत तो भरमा की शिकार कि साड़िया भाषावान समर्था नहीं है कि असी उच्ची तो उच्ची पढ़ाई कर सकी उन्होंने उच्चे तो उच्चे काम वास्ते वरत सकी है, दर्शन लिए वरत सकी है, उन्होंने विज्ञान लिए वरत सकी है। ये जोड़े भरम ने वो पालते आ रहे हैं, वो मार्क्सिस्ट भी शामिल ने और जड़े बाकी भी जड़े ने हर तरह की विचार रखने वाले भारतीय जड़े जड़े मतलब जिन्हों अंग्रेजी जड़े ने मुख्य धारा दे बौद्धिक परंपरा आ वह मुख्य धारा की बौद्धिक परंपरा की शिकार है, चाहे वह मार्क्सवादी होन चाहे वह दूजेवाद वाले होन चाहे होन, मतलब किनिया मिसालां दित्तियां जा सकदियां। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्कूल अंग्रेजी माध्यम जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्कूल और उस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्कूल जी गुरबाणी की मतलब जिदी जी एक तरह की अपनी गार्डियन जिस गुरबाणी लिखिया घर घर जिया सबना मियाँ बोली अवर तुम्हारी खत्रिया का धर्म छोड़िया मलेच पाख्या गया ही मलेच पाख्या गई सी मलेच पाख्या वह सी जी लोगों की भाषा नहीं सी मलेच पाख्या ऐसी जी लोगों की भाषा नहीं सी मलेच पाख्या कोई संस्कृत या फारसी नहीं सी कोई भी भाषा जी लोगों की भाषा नहीं है और जो सत्ता उस भाषा में अपना ली है यदा मतलब है वह मलेच पाख्या है। तो हम साडे धार्मिक अदारे मलेच पाख्या अपनाई बैठे ने इस करके हर पद्धर से ये जड़े भरम ने जिन्हों भरमा करके ये सारा जरा पसारा आ मलेच पाख्या का मलेच सभ्याचार का मलेच विचार का उन्हू तोड़न लिए सारे भरम तोड़न की लौड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैनू इस गल की खास खुशी है कि इत्थे साडे नाल होर भाषावां दे भी ये बड़ा जरूरी है। सारे मैं हुण भारती तुर फिर रहा सारे अपने अपने पद्धर से अपना खासा जोर लाए जाते हैं बड़ी नेक नीति ईमानदारी लगे हुए हैं काम भी हो रहा है। ठीक है जेड़ा मार्क्सवादी ने अपने अपने तो मंचा तो करी जाते हैं दूजे ने अपने तो करी जाते हैं पर लोड़ है ये सारी जी गल जे सारे इस गल उत्ते सहमत ने कि साड़ी सिक्ख्या साड़ा प्रशासन साड़ा सब कुछ साड़िया जबाना चाहना चाहिए वो कट्ठे क्यों नहीं हो सकते असं एक गल तो कट्ठे हो जाइए क्या बाकी लड़ लवेंगे बाकी फिर कर लाँगे जे लड़ाई झगड़े वाले मामले ने उन्होंने बाद च रख ली हाली ये कोई छोटा जहाँ तो यह छोटा मामला हो भी ये छोटा मामलों छोड़ो पहला दूजे मामले ज़्यादा महत्वपूर्ण हो कर ली। मैनू ये लगता है कि भारत के इस टाइम सब तो महत्वपूर्ण मामला भाषा का मामला है भाषा नीति का मामला है और एक योजा मामला जिसे सारे विचारधारावान के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मैं माओवादियों तो लैके जे मैं माफ़ करना जो शब्द वरत भी लवा खालिस्तान की विचारधारा विश्वास रखा सारे मंचा तो मैं जाना और मैनू मैं इस करके नहीं जानता कि मेरी उत्थे कोई वाहवा हो मैं सद्या मैं मेरा इस गल च विश्वास है ये भाषा के मामले उत्ते हर विचारधारा के बंदे जोड़ा हर विचारधारा बंद लिया जा सकता और सारे असं विचारधारा वाले इकट्ठे हो सकते हैं जे असी थोड़ा जहा मतलब ये हिला करिए तो भारत के इस वक्त ही साढ़े को इन्नी ताकत है जे असी सारिया भाषावान वाले अपने एक मंच से इकट्ठे हो जाइए और एक दिल्ली जाके मान लो कोई हज़ार बंदा जाके कहे प्रधानमंत्री ने असी तुहानू मिलना भाषा के मामले से असी कहीए साड़िया 500 भाषावान ने हर भाषा च दो बंदे होणगे और प्रधानमंत्री नाल मुलाकात होएगी जो हज़ार बंदा प्रधानमंत्री नूं अपनी भाषा की गल लैके मिलेगा फिर उहदा फर्क पएगा हर तां ते फर्क पएगा और फर्क पैना शुरू हो गया है। हुण ते साडे जिहड़े ने उप मुख्यमंत्री सन्मान योग वो जड़े NDA नाल हुण तक जिहड़ा नाल ही रहे ने भाईवाल ने उन्होंने नाल पर तीन चार दिन पहला उन्हें कहा भी जो असी भिखारियां वर्गे हाँ और सेंटर सानू रैंपेज शब्द वरत्या उन्होंने अंग्रेजी के दरड़दा जा रहा है और जड़िया जड़े मामले पहला सूबे दियाँ सूचियां सन वो हुण सांझी सूची लै गए ने साडे हक खोले गए ने इहो जिहियां गल्लां एवें नहीं हुंदियां और जड़े सियासतदान ने बहुत बहुत दिमाग वाले बंदे ने जो गल करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। मैनू इंज लगता है कि राजां दा जिहड़ा कौमियत दा मामला है राजां नूं हक्कां दा मामला है ये भारत की सियासत का केंद्रीय मुद्दा बड़ी छेती बन जाण वाला है इहनूं हुण बहुता रोकिया नहीं जा सकता और उहदे नाल ही साडे जिहड़े ने भाषा के सारे सभ्याचारां दे साडे घट गिणतियां दे सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।